Hey guys, welcome back to my channel The Good Spaces. So today's video is all about DIY and painting projects. और आज के वीडियो को हम लोग दो या तीन एपिसोड्स में स्प्लिट करेंगे. सो इन केस यू haven't subscribed to my channel, please do subscribe and hit the bell icon for latest updates. So कुछ दिन पहले मैंने इट्सी बिट्सी का फैक्ट्री आउटलेट विजिट किया था and I had got some very cool stuff from there. And come let us show you the things now and then let us start with DIYs. So the first thing that I would like to show you are these coasters. ऐसे मेरे पास दो या तीन हैं, so I'm planning to paint them in some particular theme. So and yeah, next is this wicker ball. Let us see what will I do with this. And कुछ symbols भी मैंने purchase किए थे. For example, this and symbol and ये एक at the rate का symbol and this flamingo. It's pretty, no? And this frame also. And I have a very interesting idea for this. You stay tuned. And this also. And apart from these things, I have these bamboo skewers. This is not from Itsy Bitsy. This is from Amazon. And Fevicryl ka mold dikhti hai. I have worked with clay earlier also, but this time I've got a very interesting idea. So yeah, let us start with our first DIY. First DIY के लिए हम लोग ये फ्रेम यूज करेंगे. So I am removing the cardboard. और यहाँ पे मैंने ये एक पुरानी स्केचबुक का कवर शीट लिया हुआ है. यू कैन यूज़ एनी डेकोरेटिव शीट. जो गिफ्ट रैपिंग पेपर्स होते हैं आजकल बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स में आने लगे हैं, सो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो. और अब इस शीट को कार्डबोर्ड के साइज़ का कट कर लेंगे. सो आई एम ट्रेसिंग इट एंड कटिंग इट. एंड अब जो ये वाला पोर्शन था, यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ था, सो इसको हटा के मैंने ये यहाँ पे ग्लिटर शीट लगा दी है. नाउ लेट अस स्टिक इट. सो डेकोरेटिव और ग्लिटर शीट को हम लोग हाफ हाफ भी कर सकते थे इस बोर्ड पर, बट आई फील इट लुक्स अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग दिस वे. और यस, इसमें हम लोग ये एंड सिंबल भी यूज़ करेंगे. सो आई एम पेंटिंग इट यूजिंग चॉक कलर्स. एंड बाद में मैंने इसको स्पॉन्ज ब्रश से भी कर दिया था पेंट, बिकॉज वो बहुत ही अच्छा टेक्सचर देता है. एंड नाउ आई हैव स्टिक इट टू द बोर्ड एंड जस्ट फिक्सिंग इट बैक. एंड इट्स रेडी टू एड चार्म टू योर डेकोर. होप यू लाइक दिस DIY. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड वन. सो जो हमारा सेकेंड DIY प्रोजेक्ट है वो हम लोग करेंगे इस बोर्ड पे. इसको भी मैंने इट्सी बिट्सी स्टोर से ही लिया था, पहले मैंने आपको इसको नहीं दिखाया था. सो इससे हम लोग लाइक वी कैन यूज़ इट फॉर बैल्कनी डेकोर, या फिर वी कैन यूज़ दिस टू राइट सम इंस्पिरेशनल कोट्स. वी कैन यूज़ इट इन सेवरल वेज. किचन डेकोर में यूज़ कर सकते हैं. कम लेट अस शो यू व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद दिस. सो मेरे पास ये चॉक पेंट है, ये भी इट्सी बिट्सी स्टोर का ही है. एंड कलर का नाम है पिंक बैले. सो नाउ लेट अस स्टार्ट पेंटिंग द बोर्ड. क्रिएटिंग थिंग्स ऑन योर ओन गिव्स अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, इजंट इट. सो मैंने यहाँ पे एक ये प्लांट शेल्फ बनाई है और ये है मेरा मनी प्लांट. डू यू लाइक इट? और यहाँ थोड़ी सी और डिटेलिंग करते हैं. और अब मैं यहाँ लिख रही हूँ एक खूबसूरत सा कोट. एंड इट्स डन. यू लेट मी नो हाउ यू लाइक माई प्लांट शेल्फी. So friends, this was all for today. मिलते हैं next episode में कुछ और DIYs के साथ, कुछ और inspiration के साथ. Till then, take care. Bye bye.